जम्मू कश्मीर पुलिस ने की डीएसपी देवेंद्र सिंह की बर्खास्तगी की सिफारिश, पुलिस मेडल लिए जाएंगे वापस। जम्मू कश्मीर में डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी से आतंकियों के पंजाब कनेक्शन का खुलासा, घाटी से पंजाब में घुसपैठ की कोशिश। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार मोदी सरकार के मंत्रियों का कश्मीर दौरा, 18 से 25 जनवरी तक जाएंगे 36 मंत्री। नजरबंदी के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को किया जाएगा शिफ्ट, गुपकार का घर होगा नया ठिकाना। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने किया हिजबुल आतंकी का सफाया, हथियार बरामद। निर्भया केस में फांसी से बचने के लिए दोषी मुकेश का नया पैतरा, डेथ वारंट के खिलाफ की अपील, पटियाला कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया 22 जनवरी को मुमकिन नहीं है फांसी, अदालत में मुकेश की दया याचिका की दी दलील। दिल्ली सरकार की दलील पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा लगता है फांसी की सजा लटकाने की कोशिश। जेएनयू हिंसा मामले में आज तक के कैमरे में गुनहगार कबूलने वाले अक्षत अवस्थी समेत 3 आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। जेएनयू में बुधवार को 5400 छात्रों ने भरा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की मियाद बढ़ाने पर हो सकता है। जेएनयू वीसी के खिलाफ बगावत जारी, टीचर एसोसिएशन वीसी के इस्तीफे पर अड़ा, आज भी होगी बैठक। जामिया यूनिवर्सिटी में घुसकर हिंसा मचाने के आरोप में पुलिस के खिलाफ कोर्ट जाएगा विश्वविद्यालय, एनएचआरसी ने 52 छात्रों का दर्ज किया बयान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहे गतिरोध के चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन का फैसला, अगले आदेशों तक परीक्षाएं रद्द। एमयू के छात्रों ने वीसी के खिलाफ निकाला मार्च, सीएए का विरोध कर रहे छात्रों ने वीसी के न मिलने से नाराज की। एमयू प्रशासन की पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखाने की कोशिश नाकाम, पुलिस की दलील, हाईकोर्ट में चल रहा मामला। एनपीआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की बैठक में नहीं शामिल होगी ममता बनर्जी, कहा बैठक में बंगाल से कोई नहीं जाएगा। आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को सशर्त जमानत, कोर्ट ने शाहीन बाग न जाने की हिदायत दी, 4 हफ्ते के लिए दिल्ली से दूर रहने के भी निर्देश। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर रेलवे में तोड़फोड़ करने वाले 21 उपद्रवियों की पहचान, वसूले जाएंगे 88 करोड़ रुपए। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से पुलिस की अपील, कहा लोगों को हो रही है दिक्कत, खाली करे सड़क। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर ने खटखटाया, दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, 30,000 से मिली है उम्र कैद की सजा। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश हलवनकर ने मोदी की शिवाजी महाराज से की तुलना को बताया सही, इसमें गलत है। सुरेश हलवनकर ने कहा किसान सम्मान निधि से किसानों का बढ़ा मनोबल, शिवाजी की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी भी किसानों के साथ खड़े हैं। इंदिरा गांधी पर संजय राउत के विवादित बोल, अनमोल का जिक्र करते हुए कहा एक वक्त करीम लाला से मिलती थी पूर्तियां। संजय राउत ने कहा एक वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन तय करते थे मुंबई में कौन होगा पुलिस कमिश्नर, दबाव में रहते थे अफसर। संघ के कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे मोहन भागवत, 300 संघ विचारकों के साथ बैठक। प्रियंका गांधी ने नाविक अशोक साहनी की बेटी की शादी में भेजा तोहफा, वाराणसी दौरे के दौरान की थी नौका विहार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का राहुल और प्रियंका पर निशाना, कहा दोनों नकली गांधी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज भरेंगे नामांकन पत्र, प्रगंज से पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का दावा, हमारे संपर्क में है आपके 15 विधायक। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगा विचार। मध्य प्रदेश के रीवा में 13 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ रेप, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस। जम्मू में निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल, लोगों ने डॉक्टर की काट फेंकी। सुल्तानपुर में 2 गुटों के बीच फायरिंग, एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, पतंगबाजी को लेकर भिड़ंत। बलरामपुर में जमीन विवाद में भाई ने भाई की बुरी तरह से की पिटाई, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। टिकटॉक का क्रेज बना जानलेवा, बरेली में राइफल से वीडियो बनाते वक्त चली गोली, युवक की मौत। हाथरस में पेड़ से लटका मिला 22 साल के युवक का शव, इलाके में सनसनी अज्ञात पर केस दर्ज। बरेली में पुलिस भर्ती के दौर के बाद बिगड़ी महिला अभ्यर्थी की तबियत, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। हाजीपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ गैंग हुई, बंदूक के बल पर 4 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर में मुखिया के अपराधियों ने की हत्या, आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग को 5 घंटे तक किया जाम। उज्जैन में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, हिरासत में लिए गए लोग। चित्रकूट में पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में डैम में डूबा पति गोताखोर शव की तलाश में जुटे। बैतूल में 19 करोड़ का फर्जी चेक देकर 50 किलो सोना खरीदने की कोशिश, शक होने पर ज्वेलर्स ने पुलिस बुलाई लोग गिरफ्तार। नरसिंहपुर से दर्दनाक हादसा, नर्मदा में नहाने गए 2 बच्चे हुए लापता, 3 बच्चों को बचाया गया।
गाजियाबाद में डकैती के दौरान पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने पति को ही पकड़ा। दिल्ली के शाहीन बाग में सीए के विरोध के दौरान हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, तिरंगा फहराने की कोशिश। कश्मीर में सेना के जवानों ने बर्फ में दबे एक शख्स की बचाई जिंदगी, चिनार कोर के ट्विटर हैंडल ने वीडियो शेयर किया। कश्मीर में भीषण ठंड और शीतलहर, मौसम विभाग का अनुमान 24 घंटे तक घाटी के कई इलाकों में जारी रहेगी बर्फबारी। उत्तराखंड में अगले दो दिनों पर भारी बर्फबारी की चेतावनी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जवा देने वाली ठंड, कुफरी और मनाली में शून्य से नीचे गिरा तापमान। दिल्ली में भी लौट सकती है ठंड, मौसम विभाग ने बारिश का लगाया अनुमान।